भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ टेस्ट मैच बेहद रोमांचक हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि तीसरे दिन लंच तक का खेल हो चुका है, जहां पर टीम इंडिया को लंच से ठीक पहले दो बड़े झटके लग गए। जी हां, आपको बता दें कि सबसे बड़ा झटका टीम इंडिया को विराट कोहली के रूप में लगा, जो कमिंस का शिकार हुए। कमिंस की गेंद पर हैंडस्कॉम ने विराट का एक बेहतरीन कैच पकड़ा और विराट की 123 रनों की मैराथन पारी शायद यहीं पर समाप्त होनी थी और हो गई। उसके बाद अगली ही गेंद पर देखते हुए ऐसा लगा कि शायद भारतीय पारी संभल जाएगी, लेकिन अगले ओवर में नाथन लियोन की गेंद पर मोहम्मद शमी भी चलते बने पहली ही गेंद पर। यानी कि अब भारत की टेलेंडर रह गए हैं और पुछल्ले बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं कर सकते हैं, ये बात हर कोई जानता है। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम जब आज तीसरे दिन शुरुआत करने उतरी तो भारतीय टीम 172 पर 3 से आगे खेल रही थी, जिसमें सबसे पहले ही ओवर में अजिंक्य रहाणे की विकेट मिल चुकी है ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद हनुमा विहारी जो सॉलिड दिख रहे थे, हनुमा विहारी की विकेट यहां पर मिली, क्योंकि हनुमा विहारी और विराट कोहली के बीच 50 रनों की एक अच्छी साझेदारी हुई थी, जिसके बाद ऐसा लगा कि शायद ये दोनों स्कोर को खींच ले जाएंगे। फिर हनुमा विहारी की विकेट ऑस्ट्रेलिया को मिल गई। हनुमा विहारी को हेजलवुड ने आउट किया टिम पेन के हाथों कैच कराकर, और उसके बाद ऋषभ पंत जो आज ऐसा लग रहा है कि सेट होकर खेलना चाह रहे हैं, ऋषभ पंत के साथ एक 28 रनों की छोटी सी साझेदारी जरूर हुई, लेकिन विराट कोहली की विकेट गिरने के बाद पूरी तरह से यहाँ पर टीम इंडिया पर दबाव हो गया है। अभी भी भारत 74 रनों से पीछे है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर 326 के आसपास भारत बनाए, क्योंकि चौथी पारी में भारत को ही बल्लेबाजी करनी है और उतना आसान नहीं होने वाला है बल्लेबाजी करना। ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकेलना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर भारत लीड लेता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।